तो जानते हैं इनसे कौन सी जगह है ये? और पूछते आजाद नगर। आजाद नगर कहाँ पड़ता है ये? एकता कॉलोनी। एकता कॉलोनी में हम आए हैं आजाद नगर में। तो आपको मेरा सांप पकड़ने का नंबर कहाँ से मिला आपको? यूट्यूब देखा। यूट्यूब पे? ठीक है, आइए दोस्तों दिखाते हैं कौन सा सांप है और सांप को पकड़ने के बाद में आपको जानकारी देते हैं। आइए, और यहाँ पे बहुत डर का भय भी बना हुआ है। अरे वो रबड़ निकल गई। रहो बच्चों, जा रहे अंदर घुस रही है। लाइए बोधी वाली स्पीड। ये यही काटो। अरे ये बहुत गई यार। ना ना कोई दिक्कत ना, आ जाओ, परेशान मत हो। सांप है कौन? वहीं बैठा वो, वहीं जगह अंदर घुसता हुआ जा जाओ। काटो ऐसा, काटो पेड़ को काटो। बहुत अंदर घुसे जब थोड़ा बहुत देख ली। अरे ना जावा कहीं को भी। रेडी स्नेक तो यह रेड स्नेक काफी बिग साइज का होता है। ये 8 से 9 फीट के पाए जाते हैं भारत के अंदर। और एक इसमें काला भी होता है और एक ये पीला भी होता है। दो तरह के पाए जाते हैं और जहर बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर। और ये दीवारों पे चढ़ जाता है आसानी से। अब ये छूटने के लिए प्रयास कर रहा है। ये कुछ ही देर ड्रामे दिखाएगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। भाई ये सब पैक करते हैं, लाओ वो दो। अरे तो ये कर लिया हमने पैक, ले चलते हैं इसे रिलीज करने के लिए जंगल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जंगल में रिलीज करने के लिए सांपों को। और हम जो वीडियो बनाते हैं, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ एक ही है कि लोगों को जाए जागरूक करें हम। और हमारी वीडियो से आदमी सांपों को जाने, किस सांप में जहर होता है, किस में जहर नहीं होता है। तो बस यही पर्पस है हमारा वीडियो बनाने का। और बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं, जिन्हें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, कि मुझे इसका ममीरा दे दो और ये दे दो, वो दे दो। पता नहीं कैसी मानसिकता रखते हैं लोग आज के टाइम में, मुझे तो पता नहीं। तो आइए इसे धामन को रिलीज़ करते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं सांप को रिलीज़ करने के लिए। और ये दो सांप हैं और दोनों एक ही साथ पकड़े थे हमने। तो सांप ये जो रेड स्नेक है, इसे बोलते हैं रेड स्नेक। और हमारे यहाँ इसे घोड़ा पछाड़ी बोला जाता है, धामन भी बोलते हैं। तो ये जो सांप होता है, इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जहर नहीं है तो आप इसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये काम एक सिर्फ एक्सपर्ट का है। और सांप पकड़ने का तरीका भी होता है जो मतलब आप लोगों को नहीं पता, कि ऐसा नहीं है कि सांप जहरीला नहीं है तो आप पकड़ो उसे। तो अब हम इसे रिलीज़ करने के लिए आए हैं। और पर्यावरण को बैलेंस रखने में इनका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये पर्यावरण को बैलेंस रखते हैं। और आइए इसे रिलीज़ करते हैं। और ये रेड स्नेक है, आइए इसे रिलीज करते हैं। पहले ये वाला रिलीज करेंगे, फिर देख सकते हैं आप, ये काफी तेज सांप होता है। और ये ऐसे नहीं काटता है जब तक इससे छेड़छाड़ नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ काम ये एक्सपर्ट का है। और आप ऐसी गलती ना करें वीडियो को देख करके कि हम पकड़ लेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे सांप को। तो आइए इसे रिलीज करते हैं और देते हैं इसे नई जिंदगी। हुआ था जब मैं इस सांप को पकड़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे वो लोग कुछ इसे मारने वाले थे। तो यार जब आपने मुझे कॉल कर दिया तो थोड़ा वेट करें, वो सांपों को मारे नहीं, क्योंकि पर्यावरण को बैलेंस रखने में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और सांप को मारे नहीं, बचाने का काम करें। तो आइए इसे रिलीज करते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो ध्यान रखें इससे छेड़छाड़ नहीं। तो आइए इसे हम स्टिक से सही तरीके से बिल्कुल रिलीज करेंगे एकदम। ये देखिए इसका, तो आइए इसे रिलीज कर देते हैं। तो ये हमने रिलीज कर दिया और ये गया।